पार्टनरशिप में एक पार्टनर सारे पैसा लेके चले गए और 36 लाख का लाइबिलिटी मुझे नहीं, हम लोग तीन पार्टनर्स थे और मुझे 36 लाख का लाइबिलिटी हुआ, कुछ केसेस भी हुआ। 25 साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे जीनू जोसेफ 1992 में केरला से मुंबई आए। जीनू भारत की प्लास्टिक इंडस्ट्री की नंबर वन मैगजीन के चीफ एडिटर हैं। आज वो सफल हैं, पर एक समय था जब उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया और इन पर बहुत सा कर्ज हो गया। मेरा स्टार्टिंग करियर में न्यूज़पेपर लाइन में था, उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री की पब्लिकेशन में ज्वाइन किया था। उसके बाद एक पार्टनरशिप बिजनेस था हमारा, वो ख़त्म हो गया, कुछ चीटिंग हो गया था, उसके वजह से काफ़ी कुछ लाइफ में माइनस में चला गया और मुझे 36 लाख का लाइबिलिटी हुआ, कुछ केसेस भी हुआ। ऐसा भी सिचुएशन आया कि जीवन ही ख़त्म कर दे, कोशिश भी किया। इस दौरान में मुझे पता चला है कि परमेश्वर मेरे लिए कितना दयावान है। जीनू अब अपने पार्टनर से रिवेंज लेना चाहते थे और उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें किसी भी कीमत पर अपने पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल करना है। उस टाइम भी जो मेरा पास्टर थे वो मेरे मुझे बोलता जाता था कि रिवेंज इज नॉट योर्स, और आपको ये भी समझना है कि आपके ऊपर गॉड का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, आप आगे बहुत बढ़ेगा, लेट गॉड टेक केयर ऑफ इट। ऐसा काफ़ी टाइम बोला तो वो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों करना, कुछ करना नहीं है। परमेश्वर का काइंडनेस इतना मेरे ऊपर था, दया मेरे ऊपर इतना था, माता पिता प्रार्थना करते थे, उस वजह से आज मैं ठीक पाया। जीनू ने परमेश्वर से प्रार्थना की और विश्वास से कदम उठाते हुए उन्होंने फिर से बिजनेस शुरू किया। न केवल जीनू कर्ज चुका पाए बल्कि वो आज सफल बिजनेसमैन भी है। एक स्टेटमेंट ऐसा मैंने सुना था, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। प्रेयर इज इम्पॉर्टेंट, वो डेली रूटीन बनाना चाहिए। प्रेयर लाइफ यू शुड मेक इट एज अ रूटीन, तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू प्रे योर प्रेयर्स आर आंसर्ड। दोबारा से मैंने खुद एक मैगजीन स्टार्ट किया, वो मैगजीन से इनकम आना स्टार्ट हुआ। काफ़ी लोन में 2003 तक 97 to 6 ईयर्स लगा उसको रिपे करने में। तो ये सब परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, वो आज मुझे लगता है लॉस हुआ वो मेरे लिए प्रॉफिट के लिए हुआ है। मैंने ऑफिस स्टार्ट किया लेस दैन 50 स्क्वायर फीट स्पेस, और आज वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडर पब्लिकेशन है। इंडिया में जितने प्लास्टिक की शोस है, पैकेजिंग की शोस है, करता है, उनकी प्रमोशन भी करता है, उनकी पीआर भी करता है। आज जीनू काइंडनेस के साथ यंग जनरेशन के स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो भी जिंदगी में ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकें। हमारे जो कंट्री है, यंगस्टर्स है, वो टैलेंट फुल फिल्ड विद टैलेंट है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, उनसे बोलता है कि आइदर वी कैन बी योर कोफाउंडर, वी हेल्प यू, वी गाइड यू, वी मार्केट यू। As I told everybody, if you understand the secret of Bible, you can be successful. People are watching me, and who faced such challenges, business loss, or when they are going through challenges, उनके लिए ये एक message रहेगा कि don't worry, be courageous, be strong, God is with you.